नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 जनवरी 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 हैशबैग के बारे में, यानी कि 10 ऐसी हैशबैग कारें जिनकी बिक्री जनवरी 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है, और साथ ही आपको उससे कंपेयर करूँगा जनवरी 2019 की सेल्स के साथ कि उनकी जनवरी 2019 के अंदर भी उनकी कितनी सेल्स हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। इस लिस्ट में फर्स्ट पोजिशन पर आई है मारुति की बलेनो। जनवरी 2020 के अंदर इस गाड़ी की कुल 20,485 यूनिट बिकी है। बात करें इसकी जनवरी 2019 के सेल्स की, तो 2019 के जनवरी में इसकी कुल 16,717 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि इसके अंदर 23% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको 19.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, और डीजल वेरियंट के अंदर इसके अंदर आपको 27.4 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं बात करें इसके एक्स शोरूम दिल्ली की, तो एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से यह गाड़ी आपको 5.58 लाख से शुरू होकर 9.1 लाख रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में अगला नंबर है। सेकंड पोजीशन पर आई है एक और मारुति की दूसरी गाड़ी स्विफ्ट, जो कि जनवरी 2020 के अंदर इस गाड़ी की पूरे भारत में कुल 19,981 यूनिट बिकी है। बात करें इसकी जनवरी 2019 के बिक्री की, तो जनवरी 2019 के अंदर इस गाड़ी की कुल 18,795 यूनिट बिकी थी, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस गाड़ी की कुल 6% ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। इसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको 21.2 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, और डीजल वेरिएंट के अंदर आपको 28.4 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसके दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस की, तो दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5.14 लाख से शुरू होकर 8.84 लाख तक मिल जाती है आपको। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति की अल्टो कार, जिसकी जनवरी 2020 के अंदर इसकी पूरे भारत के अंदर कुल 18,914 यूनिट्स बिकी है। वहीं बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स की, तो जनवरी 2019 के अंदर इस गाड़ी की कुल 23,360 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि इसके अंदर कुल 16% की ग्रोथ दर्ज की गई है। और इसके अंदर भी आपको पेट्रोल और CNG दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके पेट्रोल वेरिएंट की, तो इसके पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको 22.2 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, और इसके CNG वेरिएंट के अंदर आपको 31.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसके दिल्ली शोरूम एक्स प्राइस की, तो इसकी प्राइस शुरू होती है 2.88 लाख से शुरू होकर 4.34 लाख रुपये तक जाती है। पिछले एक साल से इसके बिक्री के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को नजर आई है। इसकी वजह है कि कंपनी काफ़ी समय से इसके वही मॉडल को बेच रही है। इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा कुछ चेंज किया गया, ना बड़ा अपडेट दिया गया। हालांकि पिछले साल इसके अंदर एक छोटा सा फेसलिफ्ट दिया गया था, लेकिन उससे भी इसके बिक्री के अंदर कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अभी ज़रूरत है, तो अब फिलहाल इसको कंपनी को द्वारा इसके अंदर एक नया जनरेशन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एक ओवर मार्केट हो गई है, और ये इसे अब भी अपडेट करने की जरूरत है, और इसके लिए इसका एक नेक्स्ट वर्जन लाना जरूरी है, तभी इसकी बिक्री के अंदर इंप्रूव देखने को मिलेगा। फोर्थ पोजीशन पर भी मारुति की वैगनार है, जिसकी जनवरी 2020 के अंदर इस गाड़ी की कुल पूरे भारत के अंदर 15,232 यूनिट बिकी है। वहीं बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स फिगर की, तो जनवरी 2019 में इसकी कुल पूरे भारत में 10,048 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि इसके अंदर कुल 52% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले साल ही इसका एक न्यू जनरेशन लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से इसके सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके अंदर भी आपको पेट्रोल और CNG दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके पेट्रोल इंजन की माइलेज की, तो पेट्रोल इंजन के अंदर इसके अंदर आपको 22.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इसके CNG वेरियंट के अंदर आपको 33.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसके दिल्ली शोरूम एक्स प्राइस की, तो दिल्ली शोरूम एक्स प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4.42 लाख से शुरू होकर 5.91 लाख तक मिल जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड i10। बात करें इसके सेल्स फिगर की, तो जनवरी 2020 के अंदर इस गाड़ी की कुल पूरे भारत के अंदर 8,774 यूनिट्स बिकी थी। वहीं बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स फिगर की, तो जनवरी 2019 के अंदर इस गाड़ी की 10,285 यूनिट्स बिकी थी। उस हिसाब से इसके अंदर कुल 50% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम पहले ही इसका न्यू जनरेशन भी लॉन्च किया था, फिर भी इसके सेल्स के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा इसका सेल्स फिगर धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है।
तो इस बारे में मैंने भी एक और डिटेल वीडियो बनाया है, तो वही आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप उसका उस वीडियो को देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी डीजल और पेट्रोल दो इंजन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर आपको 20.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं डीजल इंजन के अंदर आपको 26.2 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4.55 लाख से शुरू होकर 5.62 लाख तक मिल जाती है। जो इसकी न्यू जनरेशन लॉन्च की गई थी उसका नाम हुंडई ने ग्रैंड आई10 नियोस रखा था। उसकी न्यू जनरेशन लॉन्च करने के बाद भी कंपनी इसके अंदर सेल्स फिगर के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सिक्स पोजीशन पर आई है हुंडई की एलाइट आई20, जिसकी जनवरी 2020 के अंदर पूरे भारत के अंदर 8,137 यूनिट्स बिकी है। वही बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स फिगर के बारे में, तो जनवरी 2019 के अंदर इसकी 11,749 यूनिट्स बिकी थी। उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर 31% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अंदर भी आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर आपको 18.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इसके डीजल इंजन के अंदर आपको 22.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अंदर इसके एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस 5.57 लाख से शुरू होकर 10.58 लाख रुपये तक सर चाहती है। सेवन पोजीशन पर जो गाड़ी है ये वो है मारुति की सेलेरियो। इसकी जनवरी 2020 के अंदर पूरे भारत के अंदर इसकी कुल 6,236 यूनिट्स बिकी है। वहीं बात करें इसकी जनवरी 2019 के सेल्स के बारे में, तो जनवरी 2019 के अंदर इसकी कुल 9,217 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि इसके अंदर कुल 32% की गिरावट दर्ज गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया है। अब जरूरत है इसके अंदर एक न्यू जनरेशन लाने की। तो इसके अंदर भी आपको पेट्रोल और CNG दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन के अंदर आपको 23.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं CNG के अंदर आपको 31.8 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसके दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये 4.26 लाख से शुरू होकर 5.43 लाख रुपये तक ही मिल जाती है एक्स शोरूम दिल्ली के। एट पोजीशन पर जो गाड़ी आई है वो है टाटा की अल्ट्रोज। इसे 22 जनवरी 2020 को ही लॉन्च किया गया था और मात्र 10 दिनों के अंदर ही पूरे भारत के अंदर इसकी कुल 4,505 यूनिट्स, यानी कि मात्र 10 दिनों के अंदर ही इसकी 4,500 से भी ज़्यादा यूनिट्स सेल कर दी गई। ये जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है टाटा के लिए भी और इस गाड़ी के लिए भी। और मुझे भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और इसकी जो कंपटीशन है वो हुंडई की एलाइट आई20 और मारुति की बलेनो से है। ये एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आने वाली है। इसके अंदर आपको डीजल और पेट्रोल दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आपको 18.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वही डीजल के अंदर इसके 25.2 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसके दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये 5.29 लाख से शुरू होकर 10.62 लाख रुपये तक बढ़ जाती है। नाइन्थ पोजीशन पर जो गाड़ी आई है वो है टाटा की टियागो, जिसकी जनवरी 2020 के अंदर कुल 4,330 यूनिट्स बिकी है। बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स की, तो जनवरी 2019 के अंदर इसकी 8,041 यूनिट्स बिक गई थी, यानी कि जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी 8 से 9 हज़ार यूनिट्स आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से इसकी सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी जो सेल्स है वो आधी रह गई, यानी कि 4,000 यूनिट पर मंथ रह गई है। हाल ही में अभी कंपनी ने इसका एक फैसिलिटी भी लॉन्च किया है, हो सकता है इसके बाद इसकी सेल्स इंप्रूवमेंट हो जाए। तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो ये गाड़ी आपको केवल पेट्रोल इंजन के अंदर ही देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर आपको पेट्रोल के अंदर 21.8 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस, तो ये 4.6 लाख से शुरू होकर 6.6 लाख रुपये के हिसाब से आपको मिल जाती है। टेंथ पोजीशन पर आई है हुंडई की सेंट्रो, जिसे कंपनी ने काफ़ी टाइम बाद वापस लॉन्च किया था अपने न्यू डिजाइन के साथ, जिसकी जनवरी 2020 के अंदर पूरे भारत के अंदर इसकी 3,671 यूनिट्स बिकी थी। वहीं बात करें इसके जनवरी 2019 के सेल्स की, तो जनवरी 2019 के अंदर इसकी कुल 8,000 यानी कि 8,000 यूनिट्स बिकी थी। वहीं ये गाड़ी आपको पेट्रोल और CNG दो इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। पेट्रोल के अंदर आपको इसके अंदर 20.3 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं CNG के अंदर आपको 13.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4.57 लाख से शुरू होकर 6.6 लाख रुपए तक ही पड़ जाती है। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
क्योंकि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहते हैं आपके लिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।